सच कहता हूँ, मेरा हाल बड़ा बुरा है, मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर मेरा हेलीकॉप्टर 7000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और मुझे नीचे जाना ही होगा। मेरे पास कुछ जरूरी सामान है और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ चल रहा है। देखिए, मैं पानी पर बहुत जोर से गिरा हूं, मगर मुझे पैराशूट से जल्दी छुटकारा मिल गया। अब तैरना शुरू करता हूं। वो है टापू, मुझे उसी टापू पर जाना है। समंदर की लहरें मुझे पीछे धकेल रही हैं, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पूरा जोर लगाना होगा। टापू के आसपास की लहरें बहुत तेज हैं, क्योंकि यहां महासागर जमीन से मिलता है और खतरा है कोरल शेल्फ से रिप्टाइड पैदा होने का। उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं। ये रिप्टाइड जानलेवा होती हैं। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल करीब 100 लोग इनमें डूब जाते हैं। एक चीज मुझे साफ सुनाई दे रही है, लहरों की जोरदार आवाज, और इसका मतलब है कि टापू के आसपास ब्रेक जरूर है। देखिए, मुझे सामने ब्रेक दिख रहे हैं। आप वो सफेद हिस्सा देख रहे हैं? लहरों में मैं ज्यादा सुरक्षित हूं। जहां लहरें शांत हैं, इसका मतलब है कि रिप्टाइड है, क्योंकि वहां पानी को ब्रेकर नीचे खींच लेता है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पलक झपकते ही वो हमें। मैं किनारे पर तो आ गया हूं, मगर मेरी चुनौतियां अभी शुरू हुई है। इस टापू पर मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो मेरे सिर के ऊपर है। ये टापू इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से सिर्फ 3 डिग्री की दूरी पर है, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है। इन बादलों से धोखा मत खाइए, क्योंकि ये आपको अल्ट्रावायलेट किरणों से नहीं बचाने वाले। यहाँ तो सूरज दिन में 12 घंटे परेशान करता है। भी जलने लगी है। बस 15 मिनट में धूप मुझे बेहाल कर देगी और मैं लू का शिकार हो जाऊंगा। मैं अभी ऐसी चीजें ढूंढ रहा हूं जो धूप से बचने में मेरी मदद करें, और यहां पर तो मेरे काम की कई चीजें हैं। मैं दुनिया में कई दूर दराज इलाकों में जा चुका हूं, और मैं जहां भी गया वहां मुझे कचरा तो मिल ही गया, पानी में बहकर आया कचरा। ये जो हजारों साल तक बचा रहता है, लेकिन ये मिल जाए तो ये बहुत काम आता है। जान बचाने के लिए आपको हर चीज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं यहाँ कुदरत के करिश्मे की तलाश में हूँ। आप यहाँ से देख रहे हैं, मुझे मिला एक मशरूम। मशरूम कोरल, ये बड़े कमाल की चीज है। ये यहाँ पर बड़े काम का है, क्योंकि जहाँ सूरज शरीर जला देने पर तुला हो, अगर आपके मन में कुदरत के प्रति कुछ संदेह हो, फिर आप इसे देखिए। ये देख रहे हैं आप, इससे अब मैं समंदर में जाने के लिए तैयार हूं। लहरें बहुत तेज हैं, लुटेरों की कहानियां मैंने सुन रखी हैं, मगर ये जुआ तो खेलना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, इस टापू पर फंसे रहने से तो ये अच्छा ही है कि समंदर में ही खतरा उठाया जाए, वहां बचने की संभावना तो होगी। यहां इतना ज्यादा पानी भी नहीं है कि मैं ज्यादा वक्त तक टिका रह सकूं। आपसे सच कहूं तो मैं ये जुआ खेलने तो जा रहा हूं, मगर मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं इन ब्रेकर्स को पार कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन बिना कुछ किए पता कैसे लगेगा? इस प्रायद्वीप पर करीब 100 टापू हैं। शायद किसी ऐसे टापू पर पहुंच जाऊं जहां बेहतर साधन हो, या शायद मछली पकड़ने वाली कोई नाव भी मिल जाए। कोई नहीं जानता कि महासागर में कब तक अकेला रहना पड़ जाए, और तब इस विशाल समंदर में बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। यह अकेलापन काटने को दौड़ता है। अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए और ध्यान पटने नहीं देना चाहिए। रोशनी अब कम होने लगी है और मैं अंधेरा होने से पहले
उस टापू तक पहुंचना चाहता हूं। मैं रात में तो इस डोंगी पर बिल्कुल नहीं रहना चाहता। ब्रेकर पार करते वक्त मेरी डोंगी ने लहरों की मार सही है और ये पानी में धंसी जा रही है, इसलिए मुझे बार बार मरम्मत करनी पड़ रही है। अरे वाह, ये तो इंजन की आवाज है। hey! इसी का तो मुझे इंतजार था। hey! मैं चला उस तरफ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। मैं दुनिया की एक सबसे खतरनाक जगह इंडोनेशिया के एक वीरान टापू पर तमाम चुनौतियों का सामना करने के बाद यहां तक आ गया हूं।